नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं नाइब लिमिटेड के बारे में, जिसके बारे में ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोग आज की डेट में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी ने प्रीवियस के कुछ दिनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। बट काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस कंपनी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो में अपन इस वाली कंपनी के बारे में डिटेल से सारी चीज़ें जानने वाले हैं। ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का ग्राफ क्या कहता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ROCE, ROE, बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल ट्रेंड क्या कहते हैं, एंड इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी क्या कहता है। एंड फाइनली अपन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस कंपनी में अपन को इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक वो जरूर कीजिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों, इस कंपनी की स्थापना 2005 में हुई थी। ये कंपनी बेसिकली क्रिटिकल कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है डिफेंस सेक्टर के, ई व्हीकल सेक्टर के एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर के। इस कंपनी में प्रीवियस 5-6 मंथ्स में प्रमोटर की होल्डिंग 5% से ज़्यादा घटी है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो होल्डिंग है वो लगभग 6% से बढ़ी है। अगर दोस्तों अपन कंप्लीट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास अभी की डेट में लगभग 50% की हिस्सेदारी। म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट निगेटिव साइन है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी यहाँ पर 1% से कम ही इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हालांकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने जरूर 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर दिए और रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर दोस्तों सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न देख करके आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकती है सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक। बट अगर दोस्तों इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट के 5 सालों में लगातार इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ी है और लास्ट के 1-2 ईयर्स में तो सेल्स ग्रोथ और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। अगर दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ का ग्राफ अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि लास्ट ईयर में यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बढ़ी है। अगर दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी का ग्राफ देखोगे तो लास्ट के ईयर्स 5 ईयर्स का आप रिटर्न ऑन इक्विटी ग्राफ देख सकते हो, बट आप देखोगे लास्ट के ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी ग्राफ लगभग 11.9 पर है। मतलब आज की डेट में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना वो लगभग 12% के आसपास चल रही है, जो कि ऑफकोर्स बहुत अच्छी नहीं है बट बहुत बेकार भी नहीं है। और वहीं दोस्तों अगर ROCE देखोगे आप इस कंपनी की प्रीवियस 5 सालों की, तो लास्ट के 4 सालों में लगातार इस कंपनी ने ROCE को बेटर किया है, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। बट अभी भी ROCE 17% के आसपास है, जो कि ऑफकोर्स बहुत बेहतर तो नहीं है बट बेकार भी नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों फाइनली डेट टू इक्विटी भी देख लेते हैं, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर 0.25 के आसपास डेट टू इक्विटी रेशियो होता है तो काफ़ी आइडियल होता है, बट यहाँ पे 0.31 है तो डेफिनेटली काफ़ी बुरा ये डेट टू इक्विटी नहीं है, काफ़ी ठीक ठाक सिचुएशन में है डेट। इस कंपनी के PE और PB को भी आप इसी सेक्टर के बाकी कंपनी से कंपेयर करके देख सकते हैं, तो इस कंपनी के जो PE और PB है ना वो भी काफ़ी बेकार है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में। PE और PB दोनों ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो जितने कम से कम हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है, बट इनकी जो PE है ना वो सेक्टर के PE से बहुत ज़्यादा है और जो इनका PB है वो भी सेक्टर के PB से काफ़ी ज़्यादा है, बट 1-2 कंपनीज का PB इनसे भी ज़्यादा है। अगर दोस्तों इस कंपनी के ROCE और ROE को भी सेक्टर के ROCE और ROE से कंपेयर करेंगे तो आप देख पाओगे आपके स्क्रीन पर सारा का सारा एनालिसिस पीयर कंपैरिजन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर आप ROCE देख सकते हो, इस कंपनी का ROCE कुछ कंपनी से ज़्यादा है और कुछ कंपनी से कम है सेम ROE के साथ में, बट ROE इनका मोस्ट ऑफ दी कंपनी से कम है, बट 1-2 कंपनी से ही ज़्यादा ROE इनका देखने को मिलेगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी की देखते हैं, वो है फाइनेंशियल ट्रेंड। तो लास्ट के 4 ईयर्स में इस कंपनी ने बहुत ही कमाल की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है एंड साथ में प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा कमाल की है। यहाँ पर दोस्तों मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात नहीं कर रहा, बट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल रही है इनकी। अगर दोस्तों 2020 में आप गौर से देखोगे तो इन्होंने लॉस बुक किया था 0.49 करोड़ का, उसके बाद 2021 में 0.12 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद 2022 में 0.20 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया और 2023 में सीधे 1.59 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया। तो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए आप कितनी कमाल की है एंड सेम रेवेन्यू ग्रोथ के साथ में है। जैसे आप देखोगे 2020 में 1.72 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 2021 में 2.56 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 2022 में सीधे 22 करोड़ का रेवेन्यू और उसके बाद 2023 में सीधे 106.45 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि ऑफ कोर्स फिनोमिनल है। और दोस्तों आज की डेट में जब मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, अभी सिर्फ 1830 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर ये कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाती रहती है इन फ्यूचर भी तो इतने कम मार्केट कैप के हिसाब से इस कंपनी की जो मल्टीवैगर बनने की चांसेस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट ऑफ कोर्स दोस्तों अभी भी मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा, ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान है मेरा और करंट प्राइस आज की डेट में 1394 चल रहा है। एक बार इस कंपनी का ग्राफ भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप इस कंपनी का ग्राफ भी देख सकते हैं, लास्ट के 1 दिन का ग्राफ, 1 वीक का ग्राफ, 1 मंथ का ग्राफ, लगभग 65% के रिटर्न्स हैं। एक ईयर में इन्होंने 233% के रिटर्न्स दिए हैं, 5 ईयर्स में इस कंपनी ने 22,938.84% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए एंड मैक्सिममली आप देखोगे तो 3,299.63% के रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि लास्ट के 3-4 सालों में इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और काफ़ी स्टेबल टाइप के रिटर्न्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा फायदे में जाने के बाद बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार ये कंपनी अपनी ग्रोथ दिखाती है तो उसके बाद नीचे बहुत कम जाती है और वापस से ऊपर ही चली जाती है।
एंड दोस्तों, अगर अपन सारी चीज़ें जानने के बाद, एक्नॉलेज करने के बाद, अगर अपन किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो इस कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है एंड ग्राफ है वो बहुत पॉजिटिवली शो हो रहा है। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकती है, बट मल्टी बैगर बनने के भी चांसेस हैं इस कंपनी के। तो दोस्तों, अगर कोई बंदा है कि जो 100 रुपये में से 2 रुपये इस कंपनी में लगाना चाहता है और सोच रहा है कि हाँ 2 रुपये अगर बर्बाद हो जाए तो बर्बाद हो जाए, या फिर ये कंपनी मल्टी बैगर बन जाए तो बन जाए, तो ऐसे में दोस्तों इन्वेस्ट शायद किया जा सकता है। बट फिर भी दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा आप यहां पे इन्वेस्ट करो या फिर ना करो। मैंने सिंपली सारी चीजें आप लोगों के सामने रखी हैं, जिससे आप लोग अपने डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी हेल्प ले पाओ इस वीडियो से। एंड फाइनली दोस्तों, मैं इस कंपनी के साथ क्या करने वाला हूं, तो मैं डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा, बट सिर्फ 1 या 2% ही इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में मैं करने वाला हूं, जिसको डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मेरे वो पैसे आ जाएंगे। मैं वो रिस्की इन्वेस्टमेंट समझ के यहां पे पैसा डालूंगा, बट अभी तक दोस्तों मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, ये ऑब्वियस चीज़ है। ठीक है, फाइनली आई होप आप लोगों को इस वाली वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, एंड स्क्रीन के वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।